अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बनाते हैं अपने किचन में चिकन स्ट्यू। तो ऑयल को हम पका लेंगे, मस्टर्ड ऑयल को, और थोड़ा सा गरम मसाले इसमें डाल देंगे। देखिए अभी मैं गरम मसाला ऐड करने के बाद चिकन भी डालूंगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, गरम मसाला कट करके रख लिया था। एक कुकर में हमें अलग से सीटी लगानी है, ठीक है। अब हम डालेंगे चिकन, एक साइड होता है चिकन फ्राई लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था मैंने। दूसरी साइड में कुकर में सीटी लगा लूँगी सब चीज़ों को डालकर, टमाटो, लहसुन, प्याज और रेड चिली, ठीक है। इसमें सीटी आ गई है। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको पका लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए भून लेंगे इसको। नमक हल्दी ऐड करके ये पूरा कुक हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे, गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए की पत्तियाँ अदरक से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा पेज को फॉलो कीजिएगा। मेरे घर पर आ गए थे गैस, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अब से पहले मैंने चिकन कौरमा बनाया था, शोरबे वाला चिकन भी बना लिया था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने जल्दी से डिसाइड किया कि मैं स्टू बनाऊं। तो मैंने झटपट से चीज़ें रेडी करके और उसको कुक कर लिया। देखिए बहुत कम टाइम लगता है, इतनी टेस्टी डिशेज़ रेडी हो जाती हैं। अब मैं जा रही हूँ सर्व करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ चीज़ें और भी बनाई हैं, आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये मैंने खुद ही कुक की हैं सब चीज़ें, आप लोग इंजॉय कीजिए इतने। अब मैं चली खाना खाने के लिए, सबको सर्व करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।